राजीव गांधी अभिनव आवासीय विद्यालय बेरीनाग को अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज बेरीनाग में विलय किए जाने के विरोध में शिक्षक अभिभावक संघ अध्यक्ष किशन लाल शाह के नेतृत्व में तहसील पहुंचकर सरकार के विरोध में नारेबाजी व प्रदर्शन किया गया। अभिभावकों का कहना है कि विगत दिनों शासन द्वारा राजकीय अभिनव आवासीय विद्यालय को अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज बेरीनाग में विलय किए जाने का निर्णय लिया गया है, जिससे उनके बच्चों तथा उक्त विद्यालय के शिक्षकों का भविष्य अधर में लटक गया है। विद्यालय में क्षेत्र के गरीब विद्यार्थियों जिनकी संख्या वर्तमान में 143 है, जो कि निःशुल्क शिक्षा आवास भोजन प्राप्त कर रहे हैं, तो वहीं विलय के आदेश के बाद उक्त सुविधाएं उन बच्चों से छीन ली जाएंगी। तो वहीं इसके विरोध करते हुए प्रदर्शनकारियों द्वारा उक्त आदेश को वापस न लिए जाने की दशा में अनशन चक्का जाम जैसे उग्र आंदोलन किए जाने की चेतावनी दी गई है। बेरीनाग से प्रदीप मेहरा की रिपोर्ट। जा रहा है, हम अपने बच्चों को कहाँ डाले, ये इन्होंने बहुत ही गलत कर दिया है। और यहाँ सब स्टाफ लोग सही है, ये कह रहे हैं यहाँ अटल उत्कृष्टि में डालो, लेकिन हमें इतनी वो नहीं है, हम नहीं डालना चाहते वो यहाँ नीचे स्कूल में। और हमारे बच्चों को न्याय देना चाहिए, और हम नहीं तो अनशन में बैठ जाएंगे, और 10 दिन के अंदर हमारे ये जवाब आना चाहिए। 2015 में जब चालू हुआ था अभिनव नवोदय, इसमें 6 से 12 तक के लिए आवासीय दिया गया था। उसके बाद जब 10th में बच्चे पढ़े, उसके बाद बच्चों को यहाँ से हटा दिया गया। हमारे बच्चे उस टाइम भी भटकते रहे, बड़े मुश्किल से वहाँ जवाहर नवोदय गंगुलियाड में उनका एडमिशन किया गया, और 2 साल पहले से 6 के क्लास में भी एडमिशन नहीं दिया जा रहा है। अगर यही स्थिति, आज यह आदेश आया कि विद्यालय बंद कर दिया जाएगा, अगर यही दशा रहे तो हम पूरी पब्लिक जितने भी हैं सारे आमरण अनशन करने के लिए तैयार रहेंगे, और कुछ भी हो हम लास्ट तक लड़ाई लड़ेंगे। हम अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं जाने देंगे। हम केवल 10 दिन का टाइम दे रहे हैं, क्योंकि अभी उपचुनाव चल रहा है, इसलिए हम 10 दिन का टाइम दे रहे हैं। अगर 10 दिन में हमारे बच्चों का भविष्य के लिए अगर नहीं सोचा गया, तो हम आमरण अनशन करेंगे आगे किसी भी हद तक।